वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 7 दिसंबर को देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आज का लाइक 700 है, हम उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें, यूपी हरियाणा के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट। साइक्लोन जवाद की वजह से कई राज्यों में बारिश की आशंका। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि इसका असर 8 दिसंबर से देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों पर दिखाई देगा, क्योंकि बर्फीली हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज हरियाणा के साथ यूपी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोन जवाद पहले की तुलना में कमजोर हो गया है, लेकिन अभी भी इसका खतरा कम नहीं हुआ है। हालांकि इसके कारण रविवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में काफी बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 12 घंटों के दौरान ये और कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसके कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 7 दिसंबर को भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम करवट ले रहा है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में बुधवार यानी 8 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 8 दिसंबर से बर्फीली हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी। वहीं इस वजह से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कल यानी 7 दिसंबर से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना भी है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक बीते दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश की संभावना बन गई थी, जो कि पहाड़ी इलाकों में देखने को मिली। हालांकि इस दौरान अधिकांश मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे, लेकिन 8 और 9 दिसंबर को फिर बादल छाए रहने की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली NCR में 10 दिसंबर से मौसम पूरी तरह से बदलता दिखेगा। दरअसल उत्तरी दिशा से आने वाली हवाएं दिल्ली में ठंड बढ़ाएंगी। हरियाणा और यूपी में हो सकती है बारिश। IMD के मुताबिक आज हरियाणा के दादरी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, महम, रोहतक, भिवानी, पलवल और होडल में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, हस्तिनापुर, चांदपुर, मेरठ, किठौर, अमरोहा और गढ़मुक्तेश्वर में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिहार और झारखंड में भारी बारिश के आसार। जहां साइक्लोन के कारण ओडिशा बंगाल में अलर्ट जारी है, वहीं दूसरी ओर सर्दी ने उत्तर भारत में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जवाद कारण बिहार झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ने की आशंका है। रविवार को बिहार का औरंगाबाद सबसे ज्यादा ठंडा स्थान रहा, जहां 14.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अब तेजी से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। और कहां हुआ येलो अलर्ट जारी। इस वक्त उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण उत्तराखंड, यूपी में तेजी से मौसम में बदलाव संभव है। उत्तराखंड के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, तो वहीं कई जिलों में बारिश संभव है। अभी के अपडेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखते रहिए UMB न्यूज़।